बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ जी। तो ये सुबह के 10 बज चुके हैं और अब मैं डस्टिंग वगैरह करने लगी थी, तो मैंने सोचा कि मैं इसका व्लॉग बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो जी, आप देख सकते हैं व्लॉग में, तो आप डाइनिंग टेबल से डस्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो जिस चीज़ के साथ मैं डस्टिंग वगैरह करती हूँ, जिस स्प्रे के साथ, क्लीनर के साथ, तो ये गिलेंट है, आप देख सकते हैं। ये बाज़ार से आसानी से मिल जाता है, तो ये मैं मॉल से ले आती हूँ ग्रोसरी के अंदर ही, और फिर इसी के साथ मैं डस्टिंग वगैरह करती हूँ। और अगर ये मेरे पास अवेलेबल ना हो तो मैं घर पर ही डस्टिंग के लिए आम सा क्लीनर बना लेती हूँ, और उसके साथ भी बहुत अच्छी डस्टिंग हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि मैं इसी के साथ इसका थोड़ा थोड़ा स्प्रे जो है वो टेबल के ऊपर कर रही हूँ, और इसके साथ मैं तमाम टेबल को अच्छे से साफ कर लूँगी। ग्लास की जितनी भी चीज़ें होती हैं उनके लिए ये गिलेंट बहुत अच्छा होता है, इससे बहुत अच्छी सफाई होती है। तो अगर आप लोग भी बाय करना चाहें तो आप ले सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने तमाम मैट्स भी रख दिए हैं अपनी जगह पर, और एक साइड से तमाम क्लीनिंग कर ली है। अब इसकी दूसरी साइड से हम क्लीनिंग करेंगे। मैं सुबह के टाइम ही नाश्ता बनाने के फौरन बाद ही क्लीनिंग वगैरह, घर की सफाई वगैरह सारी कर लेती हूँ, क्योंकि फिर अगर सुबह का टाइम गुजर जाए तो फिर दिन भर में आपको टाइम नहीं मिलता, और फिर क्लीनिंग वगैरह, सफाई वगैरह घर की रह जाती है। तो इसलिए मैं सुबह में ही सारे काम नाश्ते के फौरन बाद कर लेती हूँ। और अभी मैंने सफाई वगैरह की है, तो अब मैंने कहा मैं डस्टिंग वगैरह कर लूँ और साथ ही आप लोगों के लिए व्लॉग भी रिकॉर्ड कर लूँ। अब आप देख सकते हैं मैं चेयर, डाइनिंग टेबल की चेयर्स के ऊपर से डस्टिंग कर रही हूँ। ये फर्नीचर अभी न्यू ही है, तो इस पर इतनी ज़्यादा डस्ट वगैरह नहीं है। तो मैंने तमाम चेयर्स के ऊपर से भी डस्टिंग कर ली है अच्छे से, आप देख सकते हैं। और अब ये जो ग्लास का टेबल है इसके ऊपर से भी डस्टिंग कर रही हूँ, ताकि जो थोड़ी बहुत मिट्टी डस्ट वगैरह इसके ऊपर, और सारे फर्नीचर की अच्छे से डस्टिंग कर लेंगे। डस्टिंग करूंगी और फिर सीढ़ियाँ वगैरह क्लीन करूंगी, तो उसकी भी रिकॉर्डिंग मैंने की है, वो भी मैं आप लोगों के साथ इस व्लॉग में शेयर करूंगी। मैं ज़्यादा डस्ट वगैरह जमा नहीं होने देती, जैसे ही थोड़ी बहुत डस्ट वगैरह फर्नीचर के ऊपर पड़ती है तो डेली से क्लीन कर लेती हूँ, ताकि फर्नीचर ज़्यादा गंदा ना हो, अच्छे से क्लीन हो जाए। तो अब हम इस टेबल को भी क्लीन कर लेंगे अच्छे से। ये आर्टिफिशियल फ्लावर है, ये तो सोफ़ों के ऊपर से भी मैं डस्टिंग वगैरह कर रही हूँ। जी, तो डस्टिंग मैंने सारी कर ली है और अब मैं पकोड़े बनाने लगी हूँ। मेरे बेटे का आज दिल कर रहा था कि मामा पकोड़े बनाएं, तो चलें आपको दिखाती हूँ कैसे पकोड़े बनाती हूँ। पहले भी मेरे चैनल पे पकोड़ों की रेसिपी मौजूद है, अगर कोई आप लोग देखना चाहें तो।
तो आप देख सकते हैं। और मैं पकौड़े बनाती हूँ, तो चलें आपको भी दिखाती हूँ साथ जी। तो पकौड़े बनाने से पहले मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी सीढ़ियों के ऊपर से भी क्लीनिंग कर लूँ। सीढ़ियाँ काफ़ी मुझे मैली मैली सी लग रही थी, तो मैंने कहा डस्ट के ऊपर भी डस्ट पड़ी हुई है, तो चलें क्लीन कर लेती हूँ। ये सारा मार्बल लगा हुआ है, तो इसके ऊपर से अगर झाड़ू वगैरह भी दे दें, पोचा ना भी लगाएं अगर आप, तो ये बिल्कुल साफ सुथरी नज़र आती हैं। देख सकते हैं कि थोड़ी बहुत डस्ट इनके ऊपर पड़ी हुई है। बस मैं ये काम ख़त्म करूँगी और फिर पकौड़े वगैरह बनाऊँगी बेटे के लिए, और साथ में सालन में कढ़ी बनी हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो साथ बेटे का दिल था पकौड़े बनाए मामा, तो मैं कहा चलो साथ में पकौड़े बना लेते हैं जी। तो अब इस पैन में हम पकौड़े बनाएंगे, आप देख सकते हैं नॉन स्टिक पैन में, तो मैंने डाल दिया ऑयल, जैसे ही गर्म होगा तो हम इसमें पकौड़े डालेंगे। मसाला मैंने पहले ही बना लिया था, और अगर आप पकौड़ों की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं जी। ये मसाला है जो कि मैंने पकौड़ों के लिए तैयार किया है, आप देख सकते हैं। और चलिए आप पकौड़े निकालते हैं। साइड से पकौड़े बन चुके हैं और मैंने इनकी साइड चेंज कर दी है जी। तो पकौड़े रेडी हो चुके हैं और पकौड़े पका लेते हैं। पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बने हैं। ज़बरदस्त खूबसूरत कलर आया है जी। तो पकौड़े रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। बस आज की वीडियो यहीं तक थी, मिलूंगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.